दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसे कहानी कहूं या कोई अमर कथा, 25 दिसंबर 1924 जब हिंदुस्तान को एक नायाब तोहफा मिला था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। 1939 आरएसएस में स्वयं सेवक बन के उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में रखा अपना पहला कदम। देश स्वाधीन हुआ तो आया बंटवारा और उसके चलते उन्हें वकालत पढ़ना छोड़ना पड़ा, पर देश प्रेम का भार लिए वो चले उत्तर प्रदेश और वहां उन्होंने अखबारों में लिखना चालू किया। राष्ट्रधर्म, पंचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन थे उनमें से ही कुछ। राजनीति में उन्होंने महज 16 साल की उम्र में कदम रखा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बने और उन्हें 30 दिनों के लिए गिरफ्तारी भी सहनी पड़ी, पर देश प्रेम के जज्बे को मिटाना आसान नहीं था। 1951 में वे भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय सचिव बने। 1954 में कश्मीर में गैर कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए आमरण उपवास पर गए। 1968 में वे जनसंघ के अध्यक्ष भी बने। फिर से उन्हें लड़ना पड़ा 1975 में, जब आपातकाल के वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के ऐसे पहले शख्सियत थे जिन्होंने 1977 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपने राष्ट्रभाषा हिंदी में भाषण दिया। 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी, जिनके वो पहले अध्यक्ष बने। फिर दिन गुजरा और वे 13 दिनों के लिए 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत को संवारने का दूसरा मौका उन्हें 1998 में फिर मिला, पर बाधाओं के चलते 13 महीने ही टिक पाई। पर उस काल में भारत ने पोखरान में 5 परमाणु परीक्षण किए। फिर आई संकट की घड़ी, जब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा लिए गरज उठे थे, तब वाजपेयी जी ने ही पहला शांति वार्ता उन तक पहुंचाया था। पर होनी को कौन टाल सकता था, कारगिल युद्ध और वहां हमारी फतेह ने यह साबित कर दिया था कि इस भारत के सपूत में कितना देश प्रेम और साहस था। तीसरी बार पूरे भारत को उनका मूल्य समझ आया था। वे 5 सालों के लिए यानी 1999 से 2004 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, पर इस काल में भी लड़ाई करने का जज्बा नहीं भूले थे। 1999 में IC-814 इंडियन एयरलाइंस हाईजैक, 2001 में पार्लियामेंट में आक्रमण, 2002 के गुजरात दंगे ने पूरे भारत को हिला के रख दिया था। उनके कार्यकाल के दौरान भारत का घरेलू उत्पाद आजादी से लेके सबसे सर्वोत्र हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत भी उनके हाथों हुई। सर्व शिक्षा अभियान भी उनके हाथों से ही शुरू हुआ। 2005 में उन्होंने राजनीति से निवृत्ति ले ली। उन्हें भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में भी जाना जाता है। 2009 में दिल का दौरा पड़ने पर उन्होंने अपने बोलने की शक्ति भी खो दी। 11 जून 2018 को तबीयत नाजुक होने पर उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट किया गया और 16 अगस्त 2018 को वो हम सबको छोड़कर चले गए। उनके जीवन काल में उन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। पद्म विभूषण और भारत रत्न उनमें से सबसे प्रतिष्ठावान थे। आइए हम सब मिलकर उन्हें नमन करें और उनके सुनहरे सपनों को अपने कर्मों के जरिए पूरा करें। आइए ये शपथ लें। वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें।